मुझे समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? डर रहे हैं या समझ रहे हैं? मार डालूंगी। तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। रेंद्र प्रताप, तू क्या समझता है पापी कि तू बच जाएगा? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। मोहब्बत हो गई है मुझे। कल अखबारों की हेडलाइन होगी कि रामाकांत सहाय के खानदान की बहू एक विधवा है। You're mad. Yes, I am mad. बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान ने 28 साल पहले फिल्म दीवाना से अपने फिल्मी सफ़र शुरू किए थे। उनकी पहली फिल्म दीवाना 25 जून 1992 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी। सेकेंड लीड रोल होने के बावजूद शाहरुख खान ने सभी को इस फिल्म से अपना दीवाना बना दिया था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसका फ़ायदा भी उन्हें मिला। शाहरुख खान के साथ फिल्म में ऋषि कपूर, दिव्या भारती, अमरीश पुरी, सुषमा श्रेष्ठ और मनीष बहल मुख्य भूमिका निभाए थे। दीवाना को राज कंवर ने निर्देशित किया था। ना केवल शाहरुख खान बल्कि राज कंवर की भी बतौर निर्देशक ये पहली फिल्म थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि शाहरुख फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। पहले शाहरुख खान का रोल अरमान कोहली को ऑफर किया गया था, जो कि प्रख्यात निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली जी के बेटे हैं। अरमान ने ये फिल्म साइन कर ली और शूटिंग का पहला शेड्यूल भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन निर्माताओं के साथ उनके कुछ अनबन हो गई और अरमान कोहली फिल्म छोड़ दी। अरमान के फिल्म छोड़ने के बाद फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री हुई। दीवाना का पोस्टर में जो ये चेहरा दिख रहा है, ये दरअसल शाहरुख खान की नहीं, ये अरमान कोहली की पिक्चर थी। याद दिला दे कि अरमान कोहली बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुके हैं और वहाँ भी उनका गुस्सेल रवैया कई बार देखने को मिला था। अरमान कोहली फिल्म विरोधी से अपना डेब्यू किए थे। राज कंवर द्वारा निर्देशित फिल्म दीवाना एक नव विवाहित शादीशुदा जोड़ी की कहानी पर आधारित है। फिल्म में संपत्ति के लालच में लड़की के पति को मार दिया जाता है, उसे मरा हुआ मान लिया जाता है और फिर वो अपने सास के कहने पर फिर से शादी के बंधन में बंध जाती है। जैसे ही नव विवाहित जोड़ा एक साथ जिंदगी शुरू करता है, मरा हुआ पति वापस लौट आता है। फिल्म में जहां ऋषि कपूर ने मरे हुए पति रवि की भूमिका निभाई थी, वहीं दिव्या काजल के किरदार में उनकी पत्नी थी। फिल्म में शाहरुख खान दूसरे पति बने थे। फिल्म में शाहरुख इंटरवल के बाद एंट्री लेते हैं। उससे पहले ऋषि कपूर और दिव्या भारती ही स्क्रीन पर छाए रहते हैं। बता दें कि दिव्या भारती का रोल पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर किया गया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाई। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था, वहीं दिव्या भारती को सेंसेशनल डेब्यू का अवार्ड दिया गया था। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। इसे नदीम श्रवण की जोड़ी ने संगीतबद्ध किया था, जबकि समीर ने इसके गाने लिखे थे। शाहरुख खान का फिल्म में डेब्यू सॉन्ग था कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, जो कि विनोद राठौर ने गाए थे। इस गाने को शाहरुख ने बाइक चलाते हुए शूट किया था। फिल्म के गाने के लिए नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया था और इसके अलावा गीतकार समीर, गायक कुमार शानू फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। दीवाना फिल्म के सारे गाने और ये फिल्म आज भी लोगों के और फिल्म प्रेमियों के जहन में है।